ओम नमो भगवते वासुदेवाया श्रीमद्भागवतम स्कंध दस अध्याय आठ श्लोक सैंतीस अड़तीस उनचालीस तीन श्लोक एक साथ में ही इसका तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन स त दृशे विश्व जगस्थान चम दिशा सा दीदीपाधि भूगोल शुता ज्योतिषक्रम दिलं तेजो

सुनो सनौ वृक्ष विदारी से व्रजम सहात्मापशंका शब्दार्थ साशोदा ने तत्र भगवान कृष्ण के खुले मुख के भीतर ददृशे देखा विश्वम सारे ब्रह्मांड को जगत चर चर प्राणी स्थानु अचर प्राणी च तथा खम आकाश दिशा दिशाएं सद्री पर्वतों सहित द्वीप द्वीप अवधि समुद्र भूगोलम पृथ्वी की सतह सवायु बहती हवा के समेत अग्नि अग्नि इंदु चंद्रमा तारकम तारे ज्योतिषचक्रम नक्षत्र जलम जल तेज प्रकाश नभस्वान अंतरिक्ष आकाश एव भी चथा तथा कारणी अहंकार के रूपांतर से बनी सृष्टि इंद्रियाणी इंद्रिया मन मन मात्रा तन मात्रा गुणात्र तीनों गुण सतुरज तथा तमस सारे विचित्रम तरह तरह के सह समेत जीव काल सारे जीवों की आयु स्वभाव भाव। भाव। स्वभाव कर्माशय कर्म तथा भौतिक भोग की इच्छा वासना लिंग भेदम इच्छानुसार शरीर के भेद सुनो तनऊ अपने पुत्र के शरीर में वृक्षा देखकर विदारिता से खुले मुंह के भीतर, Deekha. Deekha. भीतर। Deekha. ब्रजम ब्रजधाम को सह आत्मनम सह आत्मान अपने समेत अब आप हतप्रभ रह गई शंका शंका तथा आश्चर्य से जो थे यू अंडरस्टैंड हिंदी यू कैन ट्रांसलेट यू Uh, श्री केशव प्रभु विल ट्रांसलेट फॉर यू हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद एवं तात्पर्य लरुपा जी के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुंह के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएं पर्वत द्वीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवाएं अग्नि चंद्रमा तारे देखे उन्होंने ग्रह मंडल जल प्रकाश वायु आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी उन्होंने इंद्रियां मन तन मात्राएं तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो भी देखे उन्होंने जीवों की आयु प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र की प्रकृति से सशंकित सस, तथा भयभीत तो उठी तात्पर्य स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत उनकी उत्तेजना के साधन तीनों गुण जीव सृष्टि पालन संहार तथा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से चल रही क्रियाएं। से सारी क्रियाएं ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद से उद्भूत हैं सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में हैं इसकी पुष्टि गीता अध्याय नव श्लोक दस में होती है दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं चूँकि ये सारी अभिव्यक्तियाँ गोविंद से उद्भुत हैं अतः वे शब की सब गोविंद के मुख में दिख सकती थीं आश्चर्य की बात तो यह है कि माता जशोदा गहन मातृस्नेह के कारण भयभीत थी उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती हैं फिर भी उन्होंने देखा और इसीलिए वे भय तथा आश्चर्य से हकी बक्की रह गई अनुवाद दोहराएंगे जब भगवान श्री कृष्ण ने माता जशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएँ पर्वत द्वीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा अग्नि चंद्रमा तथा तारे देखे उन्होंने ग्रह मंडल जल प्रकाश वायु आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी, देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, मन तन मात्राएं, तीनों गुण शतोरजो तथा तमो भी देखे उन्होंने जीवों की आयु प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चरचर चर शरीर देखे विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ स्वयं को तथा धाम को देखकर वे अपने पुत्र की प्रकृति से सशंकित तथा भयभीत हो तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी माता जशोदा के मन स्थिति और श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण के मुखार बिंद में समग्र ब्रह्मांड चर अचर तथा सारे देवता सारे जीव और जीवों के विविध प्रकार के शरीर और शरीर के निर्माण करने वाले अवयव तत्व पंच महाभूत भूमि जल अग्नि वायु आकाश तन रूप रूप रस गंध स्पर्श शब्द और पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार चेतना ये सब उन्होंने देखा तथा विविध प्रकार के शरीर चौरासी लाख चौरासी लाख प्रकार के जीव जोनियां भी देखी जीवों की इच्छाएं कर्म वासनाएं तथा कर्म कर्म का फल और जीवों की अलग अलग आयु जैसे मनुष्य की आयु है मच्छर की आयु है छिपकली की आयु है हाथी अलग अलग जीवों की अलग अलग आयु हैं मनुष्य अधिकतम सौ वर्ष जीवित रह सकता है लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं बहुत अल्प आयु के हैं कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत काल तक रहते हैं जैसे कछुआ चार सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है उसी तरह कुछ ऐसे भी जीव हैं जो लाखों वर्ष भी जीवित रह सकते हैं उन जीवों की प्रकृति नेचर स्वभाव जैसे मनुष्य का अलग स्वभाव है पशु का अलग स्वभाव है वृक्ष का अलग स्वभाव है कि वृक्ष एक जगह ही खड़ा रहता है मनुष्य भोजन मुख से करता है लेकिन वृक्ष पैर से खाता है वृक्ष पैर से खाते हैं इसलिए उनको पादप कहा जाता है पाद से जो भोजन प्राप्त करे उसको पादप कहते हैं तो हर जीव के अलग अलग स्वभाव का भी उन्होंने दिग्दर्शन किया उनको भाषा उनका चलना उनका कर्म करना सब कुछ देखा मुख के अंदर ही और कर्म करने का उसका फल भी कि अलग अलग कर्म का अलग अलग फल होता है वो सब देखा माँ ने माँ ने जब देखा कि उसमें सूर्य हैं अनेक चंद्रमा हैं खम अग्नि वायु शलिलम शशंख हवाएं बह रही हैं मुँह के अंदर ही तूफान उठ रहा है समुद्र की लहरें उठ रही हैं नदियां हैं पर्वत हैं अनेक तारे हैं चंद्रमा हैं सब देख रही थी और समग्र ब्रजभूमि को भी देखा और गोकुल धाम को भी देखा और स्वयं को भी देखी उसमें माँ ने अपने आप को भी देखा उसमें कि एक यशोदा कृष्ण को धमका रही है कि मुँह खोलो अपने आप को भी देखी तो माँ को भय हो गया और आश्चर्य भी हुआ और भय भी हुआ कि ये क्या है कोई आसुरी प्रकोप हो गया या भूत प्रेत का प्रभाव आ गया अपने बच्चे में अद्भुत दृश्य को देखकर माँ जसोदा को आश्चर्य और भय दोनों हो गया भय इसलिए हो गया कि कोई राक्षस का तो प्रभाव नहीं हो गया क्योंकि राक्षसों का असुरों का कुछ न कुछ वहाँ उत्पात होते रहता था कृष्ण के छः दिन में पुतना आई थी सक्टा सुर और अनेक असुर आते थे अनेक शंकाएं बनी रहती थी तो यह देख करके माँ जशोदा को भय हो गया और मुख में ही भगवान छोटा स्क्रीन में मुंह कितना इतना बड़ा हो जैसे हम क्रिकेट के ग्राउंड को देखते हैं टेलीविजन पर इतना बड़ा जैसे डबल स्क्रीन होता होगा इतना स्क्रीन में भी हम देख लेते हैं महानगर मुंबई को देखते हैं या क्रिकेट के ग्राउंड में लोग पूरे प्लेयर को देखते हैं क्राउड को देखते हैं तो स्क्रीन तो बड़ा होता है लेकिन भगवान ने छोटा स्क्रीन में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया <laughs> कितना इतना मुख में छोटा मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिए इसको विज्ञान कहते हैं अर्जुन <laughs> तो देह में देखे थे अर्जुन देह में देखे थे पश्चामी देवास्तव देव हैं सर्वास्त भूत विशेष संघान अर्जुन भी भय से माँ जशोदा जैसे अर्जुन की भी स्थिति वो भी भयभीत हो गए थे डर गए बोले मैं आज आपका ऐसा रूप कभी देखा नहीं था और सुना भी नहीं था इसलिए इस रूप को आप हटाइए बहुत डर गए थे अर्जुन पहले तो बहुत अर्जुन बात कर रहे थे कि आप हमारे सम हैं? आप कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य को ज्ञान दिया हूँ ये कैसे तो छोटी मुँह बड़ी बात आप कर रहे हैं अर्जुन बहुत ये कर रहे थे कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप ही सूर्य को ज्ञान दिए हैं आप तो हमारे समवयस्क हैं हमारे उम्र के हैं और आप बोल रहे हैं कि सूर्य को ज्ञान दिए हैं कैसे कैसे हम मान लेंगे अर्जुन बहुत बात कर रहे थे लेकिन जब भगवान कहे जब विराट रूप दिखाए तो डर गए लेकिन अपना पहले वाला रूप ही दिखाइए आपका जो पार्षार्थी रूप है वही ये इसको हटाइए जल्दी भयभीत हो गए तो भाई भी हो कह कि पश्यामि देवास्तव देव दे हैं। मैं आपके देह में हे देव हे प्रभु मैं आपके देह में देख रहा हूँ लेकिन माँ जसोदा मुख में देख रही है <laughs> कितना अंतर है मुख के अंदर छोटा जगह में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिए तो पश्चामी देवास्तव देव देह हैं तथा भूत विशेष संज्ञान बड़े बड़े जो उत्कृष्ट इस ब्रह्मांड के जो सर्जक हैं ब्रह्मा जी विशेष जीव हैं उनको कमल के आसन पर देख रहा हूँ कमलासन कमल के आसन पर ब्रह्मा जी स्थित हैं मैं उनको देख रहा हूँ ऋषि चर्वा नुर्गा दिव्या और सारे ऋषियों को देख रहा हूँ सप्तर्षि हैं और भी जो ऋषि हैं और दिव्य सर्पों को उर्गान दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ आपके शरीर में ही अर्जुन को कहीं आँख ही धरोधर नहीं करना पड़ता था ये कहीं केंद्र में नीचे के भी अधोतल में भी देख रहे थे कि गर्भोदक साई विष्णु सर्प सैया पोषण किए वो भी देख रहे थे और ब्रह्मा जी को भी देख रहे थे नीचे के तल अतल बीतल सुतल तलातल सब देख रहे थे ऊर्द्व लोक को भी सारे ऊपर के जितने लोग हैं ब्रह्मा जी से नीचे सब देख रहे थे जन लोग तपलोक तप महर लोक सिद्ध लोक गंधर्व लोक सब देख रहे थे और और कह कि अनेक बाहू उधर वक्त नेत्रम पश्यामी सर्वतो अनंत रूपम आपका अनंत रूप है तो उसी तरह माँ देख रही है तो माँ का देखने का यह है कि मुख में देख रही है तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सा तत्र दृदम विश्वम सा मतलब माँ जसोदा अपने पुत्र के मुख में देखी सारा ददृश्य विश्वम सारे विश्व को देखी अस्थान जगत चखम दिशा चर अचर बेटे अस्थानु अचर प्राणी स्थिर रहने वाले प्राणियों को भी देखा और जो चलने वाले हैं उनको भी देखा जगत स्थानु चखम दिशा आकाश को भी देखा दिशा दिशाओं को भी देखा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सारी दिशाओं को भी उसने देखा साध्री पर्वतों को देखा द्वीप आइजलैंड बड़े बड़े आइजलैंड द्वीप को देखा समुद्र को अवधि समुद्र को देखा भूगोलम पृथ्वी के सतह को देखा सब वायु बहती हुई प्रचंड वायु को भी देखा हवाएं बह रही उसी छोटे से मुख में बहुत उदाम तूफान को भी माने देखा मुख के ही अंदर जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं कि मुंबई में बाढ़ आ गया है तो टेलीविजन में देख बोलते हैं कि देखो कितना पानी बह रहा है तो माँ भी देख कर कि मुख में इतना बड़ा तूफान कैसे उठ रहा है सब वायु अग्नि और अग्नि को भी देखा पानी अग्नि दोनों खेल रहे थे एक साथ <laughs> एक साथ हो सकता है नहीं लेकिन वहाँ अग्नि भी है और पानी भी है भगवान पानी में भी आग लगा सकते हैं <laughs> पानी में आग लगाई बोलते हैं कि मैं पानी में भी आग लगा दूँ क्या जानते हो भगवान के मुख में सब कुछ दिखाई दे रहा था सब आयु अग्नि इंदु चंद्रमा तारकम तारागण सारा तारा दिखाई दे रहा था मुख में ही ज्योतिष और प्रकाश चक्रम ज्योतिष चक्रम ग्रह नक्षत्र जितने भी नक्षत्र हैं ग्रह हैं जलम जल को देखा तेज को नभस्वान अंतरिक्ष को आकाश को सब कुछ मान देखा और विचित्र तरह तरह के जीवों को देखा और उनके शरीरों के जो अवय हैं जो चौबीस तत्व हैं पंच महाभूत, तन्मात्रा पाँच ज्ञान इंद्रियाँ पाँच कर्म इंद्रियाँ मन बुद्धि अहंकार चेतना इसको भी देखा सूक्ष्म तत्व को भी देखा और स्थूल तत्व को भी देखा माने से तो मन को कोई नहीं देख सकता है आत्मा को कोई नहीं देख सकता है लेकिन माने ने देखा सूक्ष्म तत्व को भी देखा और स्थूल तत्व को भी देखा भगवान श्रीकृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला और उन्होंने श्रीकृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएं पर्वत द्वीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा अग्नि चंद्रमा तथा सारे देख तारे देखे उन्होंने ग्रह मंडल जल प्रकाश वायु आकाश अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी उन्होंने इंद्रिया मन तन मात्राएं मन भी देखा मन कितना विरल है और मन से भी अधिक विरल आत्मा है आत्मा तो बहुत छोटा है केशाग्रह सतभागस से सतधा सत्कल्पित च आत्मा केश के अग्र भाग के हजारवें भाग के केश का अग्र भाग को अब ज़्यादा भाग नहीं कर सकते हैं अविभाज्य नहीं कर सकते हैं किस का भाग को उसका कितना टुकड़ा करिएगा दो चार टुकड़ा हो सके लेकिन एक हजार भाग करने के बाद भी जो टुकड़ा बचता उससे भी अधिक सटल जो है आत्मा है इतना सूक्ष्म है सूक्षमाति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं लेकिन माँ ने उसको भी देखा मुख में आत्मा मन चित सबको देखा जबकि इसको देखा नहीं जा सकता है माँ ने कैसे देखा क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े जादूगर हैं <laughs> कृष्ण का जादू जो है ऐसा हुआ कि माँ को सब कुछ दिखाई देने लगा था भगवान अगर किसी को अपना ऐश्वर्य अपना ज्ञान या कोई प्रकाश देना चाहें तो दिखाई देने लगता है स्वयं अस्फुरथ होने लगता है तो भगवान माँ को दिखाना चाहते थे थोड़ा समय के लिए तो सारे जीवों को देखा जबकि मन आत्मा ये सब नहीं दिखाई देता है लेकिन उसको भी देखा जैसे हवा हवा को हम देख नहीं सकते हैं हवा का न रूप है न इसका न रूप है न रंग है हवा नहीं दिखाई पड़ता है हवा आप देखे हैं आप देखे हैं नहीं देखे हैं कैमरे में कभी कभी हवा कैद करिए इसमें इसका वीडियो बनाइए इसमें <laughs> हवा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हवा सर्वत्र है हवा हर जगह व्याप्त है उसका अनुभव हम करते हैं हवा बहती है हवा तेज़ बहती है तो ठंडी लगती है या गर्मी में हवा बहती है तो गर्मी लगती है और गर्म गर्म हवा चलती है हवा बहती है कि हवा बहता है एक हमारे <laughs> एक हमारे परिवार में है बड़े भाई हैं हम लोग के हमारे बड़े पिताजी भाई तो वह कि एक बार टीचर स्कूल में पूछा कि हवा बहती है कि बहता है टीचर पूछा तो एक लड़का गुरु जी का भी कान पकड़ लिया बोला कि गुरु जी हवा न बहती है ना बहता है हवा बहव अब <laughs> 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 गुरु जी भी चकरा गए <laughs> गुरु जी को भी उसने ये कर दिया कि हवा न बहती है ना बहता है हवा बहव अब समझिए ऐसा पहली बुझा दिया वैसे भगवान माँ को ऐसा पहेली दिखा दिए कि माँ चक्कर आ गई कि ये क्या हो गया कि वास्तविकता है कि क्या है हवा वास्तव में दोनों है उभय लिंग में आता है हवा बहती भी है और बहता भी है उभय लिंग में आता है ये दोनों में आता है अगर आप बहती कहेंगे तो भी ठीक है बहता है तो भी ठीक है इसलिए इसको उभय लिंग कहा जाता है दोनों में आता है तो भगवान ने ऐसा दिखाया कि सब कुछ दिख रहे थे जो कभी देखा नहीं जाता है वो भी माँ ने मुख में ही देखा तो माँ को भय हो रहा था भय इसलिए हो रहा था कि बच्चे को कुछ हो गया है कोई आसुरी प्रकोप है या कोई भूत प्रेत का इसके ऊपर आवेश हो गया है इसीलिए माँ सशंकित थी शंका हो रहा था कि ये क्या हो गया है शंका भूत पर हो रहा था कोई आश्री जीव पर हो रहा था या अपने आँख के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था या माँ सोची कि मैं स्वप्न में हूँ कि निद्रा में हूं बहुत शंकाएं हो रही थी मन में कि क्या है वास्तविकता में ये वास्तविकता है कि अवास्तविकता है कि मैं निद्रा में हूँ कि सोई हूँ जगी हूँ बहुत प्रकार की शंकाएँ माँ के मन में उठने लगी और भय भी और भय भी होने लगे ये क्या हो गया जैसे अर्जुन को भय हो गया तो स्तुति कर लगी माँ यहाँ स्तुति नहीं कर रही थी माँ तो यह समझ रही थी कि हमारा बच्चा है जैसे अर्जुन कहे तुम्मा दिदेव पुरुष पुराण तमस् विश्व परम निधानम तमम व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन स्तम पुरुषो मतो में अर्जुन कहे देव पुरुष पुराण आप ही आदि देव हैं आदि गोविंद गोविंदमादि पुरुषम पुरुष पुराण बहुत पुराने पुरुष हैं आपसे पुराना कोई नहीं है गांव में जो सबसे पुराना आदमी हो जाता है सबसे बड़ा आयु का तो उसको लोग सम्मान करते हैं हमारे मंदिर में भी एक भक्त थे एक सौ दो वर्ष के तो उनको हम लोग सम्मान किए थे सारे भक्त लोग मिल कर के एक सौ दो वर्ष सेंचुरी के आगे भी क्रॉस कर गए थे तो भगवान भी सम्माननीय है क्योंकि उनसे बड़ा कोई पुराना नहीं है पुरुषम पुराण सबसे पुरातन है फिर भी नवजनम आद्यम पुराण पुरुषम नव जवन तो देव आप आदि पुरुष हैं आपके आदि कोई नहीं है लेकिन फिर भी आप हमेशा किशोर रहते हैं भगवान हमेशा किशोर रहते हैं उनको दाढ़ी मुझ कभी नहीं आता है जबकि सबसे पुराने हैं आदि तमादिदेव पुरुष पुराण तमस् विश्व से परम निधानम आप ही विश्व के विधायक नि, हैं निधान करते हैं सारे विश्व में जीवों के सृष्टि के आप बीज प्रदायक हैं हम शुभ बीज प्रदह पिता भगवान सारे जीवों के बीज निधान करते हैं इस ब्रह्मांड के भी इस ब्रह्मांड के भी जो स्थूल तत्व हैं स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की जाती है तो उसके भी नियंत्रक और और उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं उसके नियंता भी हैं और उत्पत्ति करता भी हैं और संहार करता भी हैं भगवान उत्पन्न भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं जैसे बच्चे जो है खिलौना बनाते हैं मिट्टी के या मिट्टी के बालू का या कोमल बालू में घर बनाते हैं और फिर बना करके थोड़े समय बाद उसको ख़त्म कर देते हैं जैसे बचपन में हम लोग पाँव को रख कर पाँव पर मिट्टी डालते थे और मिट्टी जबे हुए तो पाँव को धीरे से खींच देते थे तो ऐसे घर जैसा हो जाता था पाँव है ना पाँव के ऊपर मिट्टी को ये कर देते थे और जब मिट्टी थोड़ा ये हो जाता था पाँव धीरे से निकल देते तो ऐसे घर जैसा हो जाता तो बहुत खुश होते थे हम लोग कि हम घर बना दिए और कुछ समय के बाद फिर लाता लूती कर देते थे लाता ही बोलते हैं ना लाता लुती में लात से उसको तोड़ देते हैं तो उसमें बनाने में और देखने में और तोड़ने में बहुत आनंद आता था बचपन में हम लोग करते थे आप लोग भी किए होंगे पैर को एक करके उस पर मिट्टी डालकर घर बना घर बन गया कौन अच्छा घर बनाया तो बड़ा आनंद आता था और फिर लता लुती कर दिए लात से उसको मारकर तोड़ दिए उसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड को बनाते हैं उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं और संहार करते हैं उनका आनंद ये भी एक आनंद है सृजन करना जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है चाक में तो उसको आनंद आता है घड़ा बनाने में कंप्यूटर बनाने वाले को भी उसका नाम होता है कोई भी घर बना दिया तो उसका नाम होता है ना नाम लिखा जाता है कि ये बिल्डर ने बनाया है कोई भी वस्तु तो, तो लिखा रहता है कि इसने बनाया है ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो कंपनी का नाम होता है उसको अवार्ड मिलता है उसको प्राइज मिलता है तो भगवान को भी उसमें आनंद आता है विश्व ब्रह्मांड के जो बनाने वाले भगवान हैं लोग आते हैं एक बार महाराज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला तूने दुनिया क्यों बनाई क्या तेरे मन में समाई <laughs> लगाना गाते हैं कि दुनिया बनाने वाला तेरे मन में क्या बात आई कि दुनिया बनाया दुनिया बनाने वाले क्यों तूने दुनिया बनाई क्या तेरे मन में समाई मन भगवान के मन में क्या समाई भगवान स्वाभाविक बनाते हैं और उनको बनाने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है तो भगवान भी मुख में जब विराट रूप दिखाए तो उनको तो आनंद लगी माँ को भय हो रहा था माँ भयभीत होकर डर रही थी हक्की बक्की रह गई परी लिखते हैं कि माँ इतनी भयभीत हो गई कि आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई कि क्या हो गया देखते रह गई तो भगवान मिट्टी खाए थे थोड़ा सा मिट्टी खाए थे तो ग्वाल बालों ने कंप्लेन किया बलराम जी ने भी कहा कि अभी माखन खा रहा था माखन चोर था अब मिट्टी चोर भी हो गया मिट्टी चोरी से खा रहा था भगवान मिट्टी भी चोरी से खा रहे थे भगवान चोरी से क्यों खाते हैं भगवान सबसे बड़े चोर हैं चौराग्र गण्यम आदि शंकराचार्य कहते हैं भगवान सबसे बड़े चोर हैं माखन चोर हैं ब्रजी ब्रज में उनका एक प्रसिद्ध नाम है माखन चोर ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम कि भगवान माखन चोरी करते हैं केवल माखन चोरी ही नहीं करते हैं श्री राधिकाया हृदयस्थ चोरम समग्र गोपांगनाओं के श्रीमती राधा रानी के जो चित्त को चुरा लेता है हृदय को आई लस्ट माई हार्ट इन वृंदावन इस कान के टी शर्ट पर फेमस लिखा है एक भक्त ने कहा कि मेरा हृदय खो गया वृंदावन में तो मूर्ख हो हृदय कैसे खोएगा पर्स खो सकता है मोबाइल चू जूता जूता खोए हृदय कैसे खो सके लेकिन भगवान हृदय को भी चुरा ले इसलिए भगवान चित चोर हैं भगवान का एक नाम है चित चोर माने हृदय को चित को भी जो चुरा लेता है भगवान माखन चोर हैं तो प्रसिद्ध है ब्रजे प्रसिद्धम भगवान का सबसे प्रिय नाम है माखन चोर कोई माखन चोर कहता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और चित्त चोर हृदय को चुराते हैं और केवल इतना ही नहीं और भी चुराते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम अनेक जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जुग जुगांतर के जो पाप को चुरा लेता है हमारे पाप को जो हृदय में छुपा है हृदय कंदर में उसको भी भगवान चुरा लेते हैं इसलिए भगवान सबसे बड़े चोर हैं कोई भी चोर भगवान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है चोरी का चोरी करने में अगर कंपटीशन लेना हो <laughs> तो सब लोग पराजित हो जाएंगे भगवान हर चीज़ में एक नंबर पर हैं चोरी भी करना तो उसमें भी सबसे आगे हैं कि वो हृदय को भी चुरा लेते हैं और जीवों के जन जन्मांतर के पाप को भी चुरा लेते हैं इसलिए भगवान को चोर कहा लेकिन सामान्य लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमारे गांव में किशुन सिंह थे तो वो कहते थे कि आप लोग चोरवा के भक्त बन गए तो वो मजाक में कहते थे आप लोग चोर के भक्त बन गए बहुत लोग जो नहीं जानते हैं बोलते हैं भगवान गोपियों का सिर चुराए भगवान माखन चोरी करते थे तो जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि ये भगवान नहीं है लेकिन भगवान का ये कर्म दिव्य है जन्मा कर्म चमे दिव्य भगवान का माखन चोरी करना हो चाहे बस चुराना हो ये दिव्य है एक बार कोई प्रश्न किया था मुंबई में महाराज से कि महाराज जी भगवान गोपियों का चिर क्यों चुराए मुंबई में <laughs> तो महाराज बोले कि आपको क्या ऐतराज है सुखदेव गोस्वामी को ऐतराज नहीं है आपको क्यों ऐतराज है आपको कोई परेशानी हो रही है <laughs> महाराज बोले कि भगवान तो द्रौपदी का चिर भी बढ़ाए थे ये भी प्रश्न होना चाहिए ना कि महाराज जी द्रौपदी का चिर क्यों बढ़ाए भगवान स्वराट है वो जो चिर चुरा सकता है वो चिर बढ़ा भी सकता है चीर चुराने के पीछे भगवान की बहुत बड़ी इसमें लीलाएं हैं तो एक बार और महाराज से कोई पूछा था महाराज बोले कि आपको क्या परेशानी है आपके माँ बहन का तो नहीं चुराए ना <laughs> महाराज ने ऐसे बहुत आर्गुमेंट करने लगा था तो महाराज बोले कि आपके इतना आवेश में हैं कि भगवान चीर चुरा लिए आपके माँ बहन का चुराए हैं क्या <laughs> महाराज कह कि भगवान का चिर चुराने का किस परिस्थिति में क्यों चुराए उसका क्या रहस्य था ब्रज की कुमारियों ने अभी सात आठ वर्ष की छोटी छोटी बालिकाओं ने कृष्ण का आराधना किया था कात्यायनी के थ्रू कात्यायी मैंने दुर्गा जी के तो माध्यम बना करके ब्रज की छोटी छोटी कुमारियों ने आजकल फोटो में बड़ा बड़ा बनाया गया है नहीं और छोटी छोटी बालिकाएं थीं सात और आठ वर्ष की उम्र की छोटी छोटी बालिकाएं आज भी ब्रज में कात्यायनी की उपासना करती हैं कि हमें योग्य पति मिलें तो ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जल में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करती हैं धूप दीप अगरू से और आशीर्वाद मांगती हैं कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमा हे कात्यायनी आप महामाया हैं आप भगवान की महाशक्ति हैं महामाया जोगिनी अनेक जोग की सिद्धियां आप जानती हैं आप भगवान को प्राप्त करा सकती हैं अनेक जोग की सिद्धियां आपके पास जोगिनी हैं और कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधिश्वरी अधीश्वरी और ब्रज की अधिष्ठा अधिष्ठात्री देवी हैं नंद गोप सुतम देवी हे देवी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों ऐसे हमें पर कृपा कीजिए नंद नंदन भगवान कृष्ण को समग्र बालिकाओं ने पति रूप में प्राप्त करने की कामना की थी कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः तो उनके व्रत के समाप्ति पर श्री कृष्ण उनके व्रत का प्रतिदान किए उनको व्रत को संपूर्ण किए और व्रत में जो त्रुटि था उसका सुधार किए कहे कि व्रत में अभी तीर्थ में अभी जमुना जल में नग्न नहीं स्नान करना चाहिए तो उनका वस्त्र लेकर के उनको दंडित किए उनके गलती को सुधारे कोई भी व्रत में या तीर्थ जल में या बाथरूम में भी नहीं रहना चाहिए नग्न और वो भी तो जमुना जी में वो भी व्रत में वो कुमारियाँ नग्न स्नान कर रही थी सात आठ वर्ष के बच्चे नग्न नहाते हैं हम लोग भी दस वर्ष तक नंगे नहाते थे नदी सरोवर में हम लोग भी नहाए हैं हमको याद है दस वर्ष तक हम लोग पैंट खोल करके रख देते थे और नाला में नहाते थे तो बच्चे नहाते हैं सात आठ वर्ष के नग्न लेकिन भगवान ने उनको अपना पेशी के रूप में स्वीकार किया और उनको एक तरह से दंडित भी किया कि नग्न नहीं स्नान करना चाहिए क्योंकि व्रत है और भी पवित्र जल है तो श्री कृष्ण का चिर चुराना कोई भौतिक लीला नहीं भौतिक स्तर पर नहीं है या माखन चोरी करना सामान्य कर्म नहीं है दिव्य है ते यहाँ भगवान का मृदु भक्षण जब किए तो ग्वाल बालों ने बलराम ने कहा अभी माखन खा रहा था मिट्टी भी खा रहा है बलराम जी भी कहे ग्वाल बालों समेत कहे कि तेरे लाला ने मिट्टी खाई जसोदासन माई हे माई तुम्हारा जो लाल है कृष्ण है वो मिट्टी खाया है तो माँ तब कृष्ण कही कि मुँह खोलो क्या मिट्टी खाया जैसे ही माने कहा मुंह खोलो भगवान ने मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड जो है देख करके माँ हतप्रभ रह गई तो इस इसी दृश्य को सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तीन श्लोकों में लिखते हैं सातत्र मां माँ जसोदा ने भगवान श्री कृष्ण के खुले मुख में देखा सब कुछ देखा जो वस्तु में अदृश्य हैं इनविजिबल हैं वो भी विजिबल हो रही थी जो अदृश्य है वो भी दृश्यमान हो रहा था तो इस तरह से श्री कृष्ण ने माँ को अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए कितना टाइम हुआ है? हाँ तो यही हम विराम देते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आने वाले हैं एक दो मिनट ये है कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं दो मिनट टाइम है प्रश्न नहीं होगा तो भी अच्छा ही है <laughs> इसमें कोई प्रश्न भी नहीं बनता है हाँ <laughs> माँ यशोदा ने काना से पूछे कि तुमने मिट्टी खाई तो पहले तो भगवान ने मना किया नहीं मैंने नहीं खाया तो माँ यशोदा ने कहा कि तो फिर बलराम भी क्यों बोल रहे हैं बलराम भी तुम्हारे नाम पे कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका क्या उत्तर है मैंने भगवान और माँ के बारे में बीच में क्या उत्तर हाँ तो भगवान का यहाँ झूठ बोलना भी में लिखते हैं आगे या पीछे में कि भगवान का झूठ बोलना भी झूठ नहीं है कि भगवान मिट्टी नहीं खाए थे और खाए भी थे कि भगवान के शरीर में सारा ब्रह्मांड ही है सारा मिट्टी है हवा है पानी है तो खाएंगे क्या सब कुछ तो उनके अंदर ही है सारा पृथ्वी है चंद्रमा है पानी है सब कुछ उनमें तो खाना क्या है वो तो अंदर है ऑलरेडी पहले से है इसलिए नहीं खाए थे और बाह्य दृष्टि से खाए भी थे तो बलराम जी जब कहे तो कृष्ण कहे कि नहीं मैं मीठी नहीं खाया हूँ भगवान माखन भी खाते थे तो माँ कहती थी तुम क्यों दूसरे घर में माखन खाया तो भगवान कहते थे कि मैं मेरे पास समय कहाँ है तुम सुबह सूरदास जी बहुत सुंदर लिखे हैं कृष्ण कहे कि माँ सुबह जगते ही तुम मधुबन में गाय चराने के लिए भेज देती हो और आने पर फिर तुम उलाहना देती हो कि माखन खाते हो दूसरे घर में चोरी करते हो भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोह ही पठायो चार पहर बंसी पहसी को साँझ परो घर आयो मैया मैं नहीं माखन खायो चार पहर मैं वन में मधुबन में बंसी वट में कुमद वन में ताल वन बहुला बन खादीर वन महावन बन, अनेक वनों में गोचारण करता हूँ और आने पर तुम यही इनाम देती हो कि माखन चुरी करते हो मैं कैसे माखन खाया सुबह से दिन भर तो गाय के पीछे रहता हूँ और और जिस के घर में बोलती उनके घर में घी माखन भी शिकहर के ऊपर रहता है हैंगर हम लोग शिकहर बोलते हैं छीका मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं भी दिपायो मैं बालक हूँ और हमारे हाथ पाँव ही बहुत छोटे हैं उतना ऊपर हैंगर है दही का घी का मैं कैसे पकड़ पाऊँगा मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं भी दिपायो मैया मैं नहीं माखन खायो तो माँ ने कहा कि नहीं तो तुम्हारे मुख में क्यों लगा है कभी कभी कई बार होता था ना कई बार घटनाएं होती थी तो मुख में तो लगाए तो बोले कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटाए ये ग्वाल बाल सब जो है मुझसे शत्रुता करते हैं और जबरदस्ती मेरे मुख में लगा देते हैं कि ये माँ डांटेगी कि चोरी किया है मैं नहीं खाया है ये लोग खाए हैं और मुझे ज़बरदस्ती मुंह में लगा देते हैं तो माने कहा कि बलराम भी कह रहे हैं कि तुम माखन चोरी करते हो तो कृष्ण कहे कि बलराम जी भी हमसे ईर्ष्या करते हैं और यही ग्वाल बालों को उकसाते हैं तो फिर कृष्ण कहते हैं कि माँ शायद तुम बलराम के बात पर बहुत विश्वास करती हो तुम मुझे अपना पुत्र नहीं मानती हो क्या तुमने मुझे गोद लिया है क्या तो माँ उनको अपने गले में लगा लेती है प्रेम से जब कृष्ण कहे कि लगता है तुम तो मुझे अपना पुत्र नहीं मानती हो तो तुम किसी के यहाँ से गोद ली हो क्या मुझे कि बलराम के बात पर बहुत विश्वास कर लेती हो और मैं कहता हूँ तो विश्वास नहीं करती हो शायद मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ तो माँ को ये होता है फिर भूल जाती नहीं नहीं ऐसी बात तो भगवान इस तरह से बहुत सुंदर मनोहारी लीलाएं, बाल लीलाएं करते हैं और कृष्ण वास्तव में मिट्टी नहीं खाए हैं मिट्टी क्या खाएंगे सब कुछ तो उनके अंदर ही है उनका खाना और नहीं खाना वैसे जैसे दुर्वासा जी खाए और नहीं भी खाए थे सारा गोपियों का पकवान खा गए और कृष्ण कहे थे कि वो तो केवल दुर्वा घास पर रहते हैं सब कुछ खा गए तो गोपियों के मन में बहुत कौतूहल हुआ कि कृष्ण कहे थे कि वो तो केवल दुर्वा दुर्वा पर रहते हैं इसलिए दुर्वासा हैं लेकिन सारा पकवान खा गए जब सब गोपियाँ अपने अपने घरों में तो सारा पकवान उनके घर में वैसे ही था जो जो पकवान दुर्वासा मुनि खाए थे सब उनके घर में यथावत वैसे ही मिला देखने को तो दुर्वासा जी बाह्य रूप से ऐसा लगा कि खा रहे हैं लेकिन खाए नहीं थे वैसे भगवान बाहे लीला में दिखाई दिए कि मिट्टी खा रहे हैं उनका खाना और नहीं खाना खाकर भी नहीं खाए हैं और खाए भी हैं तो सब पहले से ही है अंदर में भी अचिंत भेदा भेद हरे कृष्णा धन्यवाद शील प्रभुपाद की